ऐसा है लोकसभा के नतीजों में राहुल गांधी जी पहले से अधिक वोटें लेके फेल हुए हैं। फेल तो हुए हैं लेकिन पहले से थोड़ी ज्यादा आ गई, इसलिए उनको गलतफहमी हो गई कि वो देश के नेता बन गए हैं और वो बहुत पॉपुलर हैं। उन्होंने अपनी लोकप्रियता चेक करनी है तो मेरे मुकाबले में हम बालाकंड से चुनाव लड़के देखेंगे। अनिल विज जी की स्टेटमेंट सोचने पर मजबूर करती है कि भाजपा का क्या रहा अब की बार। हर कोई जानता है कि भाजपा अब की बार पास तो हुई लेकिन पहले से बहुत कम मार्क्स के साथ। तो यही कहा जाएगा, जैसा कि कई अखबार की हेडलाइंस ने भी कहा कि अब की बार भाजपा फेल रही थी और भाजपा के साथ फेल रहा भाजपा का जो नेतृत्व था, मोदी जी का मैजिक था, उनका जो नैरेटिव था और उनकी जो एक हम कहेंगे कुमंशा थी हमारे संविधान में संशोधन करने की। वो क्यों ना विश्लेषण करके पहले इस बात पे कटाक्ष करें कि उनके जो नेता हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पिछली बार वाराणसी की सीट से जहां 8 लाख के मार्जिन से जीते थे, क्यों वहां पर वो अब की बार 1 लाख से जीते हैं और इतना दूर क्यों जाते हैं। अनिल विज जी अपनी लोकसभा पे ही बता दें कि जहां पिछले 2 लोकसभाओं से इतनी भारी मत से भाजपा जीत रही थी, ऐसा क्यों हुआ कि उनकी उपस्थिति के बावजूद उनके यहाँ होते हुए भाजपा जो है 50,000 से हारी है। कानूनों में बदलाव करके प्रदेश का चुनाव मुख्यमंत्री का अमेरिकन स्टाइल पर हो सकता है, तो मेरे मुकाबले में चुनाव लड़के देख ले राहुल गांधी को, अपनी लोकप्रियता का पता लग जाएगा। अनिल विज जी थोड़ा मुख्यमंत्री बनने की बहुत जल्दी में लग रहे हैं, इसीलिए मेरे ख्याल से इस तरह के कानूनों में संशोधन मांग रहे हैं, एक प्रेसिडेंशियल स्टाइल इलेक्शन मांग रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि इतने संशोधनों की क्या ज़रूरत है, आप सबसे पहले अपनी पार्टी से टिकट तो ले लीजिए कि वो आपको सीएम उम्मीदवार बना भी रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। राहुल गांधी जी की लोकप्रियता के ऊपर पूरे देश ने एक स्टाम्प लगाई है और इसको कोई भी किसी भी तरह से नकार नहीं सकता। राहुल गांधी जी आज एक ज्वलंत आवाज़ बनकर, जो पूरे भारत की जो है, पूरे देश की, इंडिया की आवाज़ बनकर आज गरज रहे हैं, तो मोदी जी से लेकर नीचे तक किसी भी नेता के पास इसका कोई जवाब नहीं रहा है। और मैं समझती हूँ इसीलिए ये विचलित जो है स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं इन सब से आ रही हैं। हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा इंतज़ार है, 90 दिनों की बात है, हर नेता की ग्राउंड पे पॉपुलैरिटी का इम्तिहान आने ही वाला है, उसके बाद ये चर्चा हो तो बेहतर रहेगी।